हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइज फॉर एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो में हम 14 जून से 16 जून के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। हमने इस वीडियो में थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, आई होप आपको पसंद आएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा आज का सबसे पहला पॉइंट है कि 15 जून को जो है वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जो है वो एजुकेट किया जाए कि सीनियर सिटीजन्स को किस तरह से सफर करना पड़ता है। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो ये दिसंबर 2011 को जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था। एम की बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल गोल है वो ये है कि हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हमें जो हमारे ओल्डर पीपल हैं उनके बारे में बेटर नॉलेज हो, हमें ये पता चले कि अगर उनको निग्लेक्ट किया जाता है या उनको अब्यूज किया जाता है तो उससे उनकी हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। अगर इस साल की थीम के बारे में बात करें तो इस साल की थीम है एसेस टू जस्टिस। तो ये दिन जो है वो रिमाइंड करने के लिए बनाया गया है कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनको हमारी जरूरत होती है, अगर उनको अब्यूज किया जाता है या उनको तंग किया जाता है तो वो किस तरह से सफर करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नाटो समिट है 2021 का, वो ब्रसेल बेल्जियम में हेल्ड किया गया। अगर आप देखें तो नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और इसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो बेल्जियम में हैं। अगर आप नाटो को फर्दर देखें तो ये जो है 1949 में फॉर्म किया गया था और ये एक मिलिट्री अलायंस है 30 कंट्रीज का। अगर यहाँ पे देखें तो ये कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए जो है वो बनाया गया था। अगर आप नाटो की कंट्रीज की बात करें तो इसमें अमेरिका, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो सब शामिल हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो रेसलर विनेश फोगट हैं उन्होंने पोलैंड ओपन में गोल्ड मेडल जीता है। अगर आप इनके बारे में देखें तो इस साल का ये इनका थर्ड गोल्ड मेडल है। फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है मेटियो पेलिकॉन इवेंट में इन्होंने मार्च में जीता था और सेकंड जो है वो एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में जीता था। जो फोगट हैं वो 26 ईयर ओल्ड हैं। अगर आप इनके बारे में फर्दर बात करें तो ये रेसलर फैमिली से जो है बिलोंग करती हैं। इनकी जो कजन्स हैं वो भी रेनाउंड रेसलर्स हैं, उनके नाम हैं गीता फोगट एंड बबीता कुमारी। आप देखें कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर थी जिन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ में एंड एशियन गेम्स में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो क्रिकेटर सुरेश रैना है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी जो है वो रिलीज की है और उसका नाम है बिलीव। अगर आप फुल नेम देखें तो दैट इज बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। उन्होंने इस बुक में ये भी बताया है कि कैसे उनका करियर रहा, कैसे उनके सीनियर्स ने जो है उनको हेल्प किया ग्रो करने में। आप देखें कि ये जो बिलीव वर्ड है ये उनको सचिन तेंदुलकर ने दिया था और उस वर्ड पे जो है इस बुक का नाम इन्होंने रखा है। आप यहाँ पे जो है उनकी बुक का कवर देख सकते हैं, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी की बुक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नोबेल लॉरेट अमर्त्या सेन है उन्होंने अपना मेमोयर लिखा है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। ये बुक जो है इसमें उन्होंने अपनी मेमोरीज को शेयर किया है। उन्होंने ये शेयर किया है कि कैसे उनका जो नाम है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दिया गया और उसमें और भी सारी मेमोरीज जो हैं उन्होंने शेयर की हैं। आप यहाँ जो है उस बुक का कवर देख सकते हैं, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोयर बाय अमर्त्या सेन। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि रिसेंटली IIT रोपड़ ने जो है वो इंडिया का फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस जीवन वायु जो है डेवलप किया है। CPAP की फुल फॉर्म देखें तो दैट इज कॉन्टिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। जीवन वायु जो है वो एक ऐसा डिवाइस डेवलप किया गया है जिसमें CPAP मशीन की जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इंडिया का फर्स्ट ऐसा डिवाइस है जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलेगा और ये जो है वो अडेप्ट कर सकता है दोनों तरह की ऑक्सीजन जनरेशन यूनिट्स को, जो कि ऑटो सिलेंडर्स एंड ऑक्सीजन पाइपलाइंस हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज की जाती हैं। आप इस फोटोग्राफ में जो है वो जीवन वायु डिवाइस देख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीय एयरटेल के अजय पुरी जो है वो री इलेक्ट किए गए हैं COAI के चेयरमैन। अगर आप COAI का फुल फॉर्म देखें तो दैट इज सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगर आप का हेडक्वार्टर देखें तो दैट इज इन न्यू दिल्ली और ये जो है वो फाउंड किया गया था 1995 में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि असम गवर्नमेंट ने जो है ये डिसाइड किया है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो खुद के वर्जन्स ऑफ भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स देगी। तो उसमें जो है उनके नाम होंगे असम विभूषण, असम भूषण एंड असम श्री। ये जो है ये डिसाइड किया गया है चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा उनकी कैबिनेट मीटिंग में। अगर आप देखें तो असम विभूषण जो है वो 3 लोगों को दिया जाएगा, असम भूषण जो है वो 5 लोगों को और असम श्री जो है वो 10 लोगों को दिया जाएगा हर साल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि IIT रुड़की के प्रोफेसर शैलेश गनपुले को जो है इस बार का NSG काउंटर IED एंड काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड मिला है और ये अवार्ड उनको इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट बनाया है। ये जो सेरेमनी है NSG कैंपस की ये हरियाणा में हुई है और NSG का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आप यहाँ इस हेलमेट का फोटोग्राफ देख सकते हैं। ये हेलमेट जो है ये मिलिट्री लोगों के लिए है, उनको जो है ये सिक्योरिटी में
हमें हेल्प करेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडिया जो है उसने रैंक किया है 14th इन वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021, और इसमें आप देखें तो 114 कंट्रीज ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था, और इसमें फर्स्ट जो है वो है इंडोनेशिया, उसके बाद कीनिया, नाइजीरिया, म्यांमार एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड आप देखें ये जो इंडेक्स है ये चैरिटीज एड फाउंडेशन द्वारा निकाला जाता है हर साल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि हरियाणा के सीएम जो है उन्होंने अनाउंस किया है ऑक्सीवन बनाने के लिए करनाल में। ये जो है ये हेल्प करेगा प्रमोशन ऑफ ट्रीज, प्रोटेक्टिंग प्लांटिंग ऑफ ट्रीज में। अगर हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा जो है नॉर्थ इंडियन स्टेट है और इसकी कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य एंड चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक योजना को लॉन्च किया है, दैट इज मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इसके तहत जो है पावर कंज्यूमर को हर महीने जो है वो 1,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर आप राजस्थान की बात करें तो ये भी एक नॉर्थ इंडियन स्टेट है और ये इंडिया की जो है लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज और 7th लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन वाइज। अगर आप यहाँ के गवर्नर की बात करें तो वो है कालराज मिश्रा, कैपिटल है जयपुर और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि SBI ने जो है वो एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कवच पर्सनल लोन। ये स्कीम जो है ये COVID-19 पेशेंट्स के लिए है। इसमें जो है उनको हेल्प मिलेगा अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए और फैमिली मेंबर्स के ट्रीटमेंट के लिए। अगर आप देखें तो कस्टमर्स जो है वो 5 लाख का लोन ले सकते हैं 8.5% इंटरेस्ट पे पर एनम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि बायोटेक्नोलॉजी कंपनी MyLab डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने जो है अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त किया है। ये जो कंपनी है ये पुणे बेस्ड फर्म है और देखें तो इसने जो है कंट्री का रिसेंटली फर्स्ट सेल्फ टेस्ट किट जो है कोविड के लिए कोविड सेल्फ जो है वो लॉन्च किया है। तो चलिए अब आज के पॉइंट्स की समरी देख लेते हैं। वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे जो है वो 15 जून को मनाया जाता है। नाटो समिट जो है वो बेल्जियम में जो है इस बार का हेल्ड किया गया। रेसलर विनेश फोगट जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पोलैंड ओपन में। क्रिकेटर सुरेश रैना ने जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी को रिलीज किया है जिसका नाम है बिलीव। अमर्त्य सेन ने जो है अपना मेमोयर लिखा है जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। IIT रोपड़ ने इंडिया का फर्स्ट पावर फ्री CPAP डिवाइस बनाया है जिसका नाम है जीवन वायु। नेक्स्ट है भारतीय एयरटेल के अजय पुरी जो है उनको री इलेक्ट किया गया है COAI का चेयरमैन। स्टेट जो आसाम है उन्होंने अपना भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स का ओन वर्जन जो है वो निकाला है। IIT रुड़की के जो प्रोफेसर हैं उनको इस बार का जो है वो NCG अवार्ड मिला है ब्लास्ट रेजिस्टेंट हेलमेट के लिए। इंडिया का जो रैंक है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में वो है 14th। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है वो एक स्कीम निकाली है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। SBI ने जो है वो एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है कवच पर्सनल लोन फॉर COVID-19 पीपल। और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है हमारी MyLab डिस्कवरी सॉल्यूशंस उन्होंने जो है अक्षय कुमार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो चलिए अब हमारे प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो सेलिब्रेट किया जाता है 21st ऑफ जून हर साल, और ये जो दिन है ये 2015 से जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है। हमारा आज का क्वेश्चन है कि ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे जो है वो हर साल कब मनाया जाता है। इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।